एक कंसल्टेंट था बदनाम था, उसके पास भी भेजे तो डायरेक्टर ऑफ सर्जरी जो था वो मेरा मुझे पसंद करता था, दोस्ती सी थी उससे, बड़ा था मतलब काफ़ी। तो मैंने कहा ये आपने मेरे साथ किया कि इसके बाद मुझे क्यों भेजी। तो उसके बाद तुम ये भी तो सीखो कि बिगड़े हुए केस कैसे संभालते, सिर्फ अच्छे अच्छों के साथ काम करो तो कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करना नहीं है, तो तुम इसके पास जाओ तो फायदा इसको। उसने कहा कि यार ये भी इस तरह से, तो हमें ये भी देखना पड़ता है। और ये पता है कि कुछ अब हम कहते ना कि ईमान की बातें भी होती है कि भाई बुराई बुराई होती है, आप अगर किसी को मार मार कर उसको सही कर दो, बेइज्जती कर करके सही कर दो, इंसल्ट कर करके, कन्फ्लिक्ट कर करके, हालात खराब कर करके सही कर दो, तो फिर आपका ईमान ही नहीं कि आप ये बात इस बात पर कि भाई बुराई के नतीजा बुराई होता है, अच्छाई के नतीजा अच्छाई होती है। आप उनको सही गलत की कमी को भी बताएँ, मतलब इतना उनका यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल डैमेज करके जीरो कर दें, फिर वो भी यही करेगा आगे जाके, जब वो बनेगा वो भी यही सीखेगा, नुकसान तो रहेगा सिस्टम। जब आपके बच्चे जो है उसके पास जाएंगे उस मैनेजमेंट करने के लिए, तो जो आप तो उससे सुन के आपके बच्चों से वही वही करेंगे, बेहतर ये होता है कि हम उसको ऐसी बातें चेयरमैन ऑफ द सर्जरी एंड लंग्स, उसकी औलाद का एडमिशन हुआ मुझसे कहने का ये हो गया मैं क्या करूँ। एक बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ बगैर इजाफे, मैंने कहा उससे कहें कि वहाँ पर ऐसे टीचर ढूंढे जो रोल मॉडल और उनसे सीखे, उनके उठने बैठना, उनकी बात करने का अंदाज, उनके पढ़ाने का अंदाज, उनके अगर सर्जन है तो सर्जरी का अंदाज, वो सब सीखे और उसके बाद उतरे उसने अपने बच्चे से। उन्होंने कहा नम्स पर तो ऐसा कोई भी नहीं, पाँच दस साल पुराने वाला उसने कहा नर्स में ऐसा कोई नहीं थी, मेरी खुद जाती वन टू वन बात। मैंने कहा एक हज़ार वहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए थे, आपको एक बार भी नहीं मिल रहा है, मैंने नहीं मिली। उन्होंने क्या कहा, देखिए पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे, मगर उन्होंने क्या किया बुराई को आँखें बंद कर। हसन अहमद साहब हमारे पहले प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया कि नम्स में एक टर्म चली थी टीचरों को, जब वो आ गए ना लड़के मतलब ये उन्होंने कहा कि टीपी ग्रुप ऑफ, उन्होंने क्या को कह रहे हैं कि इस टाइम कह रहे हैं कि कॉलेज रुपये बंद कर दो, हमारा नहीं जाता है, हमारे क्षेत्र का जो भी जाने ये जाते हैं बंद करना बंद कर दो, वो कह रहे हैं कि बस दे दो वहाँ जाना है दे दो बस, हमारे घर की बस है जाएंगे तो जाएंगे। दो बटी स्कूल के नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये स्कूल के खिलाफ है, ये गलत है, इनको मुसीबत में डाल, ये खुद एक बहुत बड़ी बुराई। तो ये जो हमारे पिछले जो पाकिस्तान बनने के बाद अच्छे अच्छे लोगों ने किया वही लम्ब वालों ने किया, कहीं बच्चों को ये नहीं सिखाया कि आप ये नहीं कर सकते यार। अच्छा बनने का इतना शौक था, यहाँ पर भी एमएलसी में क्या होता है, रजी साहब ने मना किया हर बात रजी साहब में डालते क्यों, कि मैं तो कर रहा हूँ जो चीज़ इसको मना करनी है वो खड़े होकर कहे कि भाई ये चीज़ नहीं होगी, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, मेरी ये पोजीशन है मैं इजाज़त नहीं देता। तो आएगा रवि साहब मना किया, कोई शख्स जो है कोई शख्स मतलब विदाउट एक्सेप्ट इस पर तैयार नहीं है कि वो कहे कि भाई मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अब आप ये बच्चे जो है